हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके ट्रिक में। आज हम आपके सामने दोस्तों दिल्ली सल्तनत के तीसरे वंश तुगलक वंश के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखे हैं और वह वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे। अगर आप वह वीडियो भी देखना चाहते हैं, आपके लिए वह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और या फिर आप आई बटन में जाके भी उसको देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इससे रिलेटिव अगर आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाएं कि उससे रिलेटिव क्या था। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जो कि तुगलक वंश से संबंधित है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर 29 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकाबाद की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों तुगलकाबाद की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, तुगलकाबाद कहाँ है? तो दोस्तों तुगलकाबाद दिल्ली के निकट है। गयासुद्दीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता था? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक लगान का 1/10 से लेके 1/12 भाग लेता था, जो कि बहुत ही कम था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक की मृत्यु लकड़ी के घर किन्ने और से हुई थी? तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के घर गिरने से हुई थी और यह 1325 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी उसी का पुत्र मोहम्मद जुना खां था। नेक्स्ट दोस्तों, मोहम्मद जुना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो मोहम्मद जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? दोस्तों 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कितना कर लगाया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में जो फसल उत्पादन का 50% कर लगाया था, यानी कि अगर आपका 100 किलो फसल होती है तो आपको 50 किलो देनी पड़ेगी कर के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवाने को ही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर कहाँ ले गया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर देवगिरी नामक स्थान पर ले गया था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण इन्हें इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का क्या नाम रखा था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? वह दौलताबाद से फिर पुरानी राजधानी दिल्ली वापस आ गया। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों, तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो दोस्तों यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अफ्रीकी यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अफ्रीकी यात्री इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इबन बतूता अफ्रीकी यात्री था या मोरक्को का यात्री था? ठीक है दोस्तों, इबन बतूता को अपना राजदूत बनाकर किसने चीन भेजा था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सन की बादशाह किसे कहा जाता था?
मोहम्मद बिन तुगलक को सन की बादशाह या पागल बादशाह भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में दक्कन में बामनी राज्य की स्थापना हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 1351 ईस्वी में बीमार होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की थी? तो दोस्तों हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण कराया था? तो यह करवाया था फिरोज शाह कोटला का। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी प्राचीन नहर बनवाई थी? तो यह बनवाई थी यमुना नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस शासक ने अपने आप को खलीफा का नायाब घोषित किया था? तो यह क्या था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पौत्र तुगलक शाह गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पौत्र अबू बकर तुगलक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट है दोस्तों, अबू बकर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो इसके बाद बैठा था शहजादा मोहम्मद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, शहजादा मोहम्मद किस दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो यह नसीरुद्दीन महमूद शाह की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो यह बैठा था नसीरुद्दीन महमूद शाह। क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता है कि इनका शासन दिल्ली से पालम तक है? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह का शासनकाल दिल्ली से पालम तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किसके शासनकाल में तैमूरों मंगोलों ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, किसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया? तो दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था, जिसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तुगलक वंश का अंत हुआ था 1412 ईस्वी में। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्दी पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो दोस्तों तुगलक वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश का शासन आएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि इसके बाद सैयद वंश से रिलेटिव क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जैसे ही वीडियो को दोस्तों 1000 लाइक मिल जाती है तो हम इसकी PDF आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको नया नया सीखने को मिलता रहे। दोस्तों तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।